नमस्कार, ओम शांति। एक दिन एक निराश, परेशान, हताश व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा। कहा, गुरु जी, जिंदगी से तंग आ गया हूं, बहुत परेशान हूं, क्या करूं, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। गुरु जी ने कहा कि एक मिनट, एक गिलास पानी लाए, एक मुट्ठी भर नमक लाया और वो गिलास में डाल के रख दिया गिलास पाँच मिनट। पाँच मिनट के बाद कहा, ये गिलास का पानी पियो। उसने एक दो घूंट पिए, एकदम मुंह बनाने लगा, गुरुजी ये तो बहुत खारा है, बहुत बुरा टेस्ट है। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है। थोड़ा समय बीता, गुरुजी ने कहा, चलो मेरे साथ। कहाँ? कहा, चलो ना। एक तालाब के पास पहुंचे, गुरुजी अपने मुट्ठी में नमक हाथ भर के लेके आए थे और उन्होंने वो नमक उस तालाब में डाल दिया। और कुछ देर के बाद कहा, इस तालाब का पानी उठा कर पियो। उसने दोनों हाथ से उठा के ऐसे पानी पिया। कहा, कैसा है पानी? कहा, गुरुजी बहुत अच्छा। तब गुरुजी ने कहा, एक गिलास में एक मुट्ठी नमक डाला था तो तुमसे दो घूंट भी नहीं पिया गया और अब तुम्हें ये पानी बहुत मीठा और बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि इस तालाब में भी मैंने एक मुट्ठी भर नमक डाला है, कुछ समझे? उसने कहा, गुरुजी आपने तो कुछ बताया ही नहीं, मैं कैसे समझूंगा? कहा, तुम्हारे निराशा का, तुम्हारे हताशा का, तुम्हारे टेंशन का, तुम्हारे डिप्रेशन का, तुम्हारी परेशानियों का कारण यही है। तुम्हारी सोच सीमित है, संकुचित है। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, ग्लास के पानी के जैसे नहीं, तालाब के पानी के जैसे। अपनी सोच को जितना बड़ा करोगे तो परेशानियां उतना कम लगेगी। अपनी सोच को जितनी छोटी रखोगे, जिंदगी उतनी निराशा से, कुंठाओं से, परेशानियों से भरी हुई लगेगी। आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जीवन में अगर हमारे परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, उसका कारण कोई और नहीं है, उसका एकमात्र कारण हमारी संकुचित विचारों की श्रृंखलाएं हैं। हम हर बात में बहुत छोटा दिल, बहुत छोटा सोच रखते हैं। बड़ी सोच रखिए, बेहद की सोच रखिए। और जब बेहद की सोच रखेंगे, बड़ी सोच रखेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी परेशानियां बहुत छोटी लगेगी। छोटी क्या लगेगी ही नहीं, लेकिन अगर ग्लास के पानी की तरह आपने भी छोटी सोच रखी तो वही जिंदगी को बेरंग कर देगी। आज आवश्यकता है जीवन में, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधले। हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। लोग भी बदल रहे हैं, चीजें भी बदल रही हैं, घटनाएं भी बदल रही हैं, व्यक्ति भी बदल रहे हैं, सिचुएशन भी बदल रही है, दुनिया भी बदल रही है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी सोच बदल रही है या नहीं? जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप दुनिया को नहीं बदल सकते। आप दुनिया की तो बात छोड़िए, आप अपने आप को भी नहीं बदल सकते। आप अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकते। आज आवश्यकता है विशालता के, हृदय की विशालता, विचारों की महानता। आपके विचार जितने महान होंगे, जितने बड़े होंगे, सोच जितनी बड़ी होगी, उतनी आपकी सफलता होगी। और जीवन में अगर सफलता है, जीवन में आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आपके सामने फल निष्कर्ष निकल रहा है,
तो आप कभी हतोत्साहित नहीं होंगे, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि निराश हूँ, डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ। परेशानी किसे नहीं है इस दुनिया में, जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास कुछ है वो भी परेशान है। परेशानी एक अंग है इंसान के, लेकिन उस परेशानी को दूर करने के लिए एक ही बात है, चाहे आपके पास सब कुछ हो या कुछ नहीं हो या कुछ हो, सिर्फ आप अपनी सोच को चेंज कर लीजिए। द डे यू विल चेंज योर थॉट, योर लाइफ विल बी चेंज। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे विचारों पे, विचारों की हमारी किस प्रकार के विचार हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, छोटे हैं बड़े हैं। कई बार छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं होती है लोग नहीं डिस्टर्ब होते, कहते उसमें क्या, दुनिया के साथ हो रहा है, मेरे साथ हो गया तो क्या हुआ। एक व्यक्ति की बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुई, उसमें और ड्राइवर वगैरह बैठे थे, उन सब की डेथ हो गई, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, लोग देखने आने लगे, अरे रे रे बड़ा दुख हुआ, बड़ी परेशानी हुई, आपका तो 6 महीने अभी बिस्तर पे रहना है, आपका तो बिजनेस सब चौपट हो जाएगा। जो आता वही बोलता, उसने कहा अरे भाई क्यों आप दुख कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति मर गया, मैं मरा तो नहीं, सिर्फ पैर ही टूटा है ना, मर भी तो सकता था, भगवान ने सिर्फ पैर तोड़ के खाट पे तो बिठा दिया, जिंदगी में कभी भगवान को याद नहीं किया था, 6 महीने बैठे बैठे अब कम से कम भगवान को तो याद करूँगा, और भगवान को याद करूँगा तो भगवान मेरा बिजनेस भी देख लेगा। सोच का फर्क है ना, वही कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या कहता, भगवान मेरे ही पैर तोड़ना था क्या। सोच का फर्क है, वो कहता जान तो बच गई ना, पैर टूटा तो क्या हुआ, वो तो ठीक हो जाएगा। बातें सबके सामने आती, समस्याएं सबके सामने आती, लेकिन आप उसको किस ढंग से लेते हैं, किस एटीट्यूड में लेते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी सोच कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में परेशानी है या नहीं। अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, आज ही अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को सकारात्मक कर लीजिए, आपको गारंटी से कहती हूँ आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। नमस्कार, ओम शांति।